मिनासान कोनिचुआ गाइस, आज के इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे एंड पैटर्न नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। गाइस, इसमें जो थर्ड पैटर्न है इसमें है कि दो एडजेक्टिव को कैसे जोड़ना है। ई एडजेक्टिव और ना टाइप एडजेक्टिव, दो टाइप एडजेक्टिव होते हैं जापानीज में। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो हम अगर किसी चीज़ के बारे में हम दो एडजेक्टिव का यूज़ करना चाहते हैं बताने के लिए, उसकी स्पेशलिटी बताने के लिए, तो अगर हम दो एडजेक्टिव को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे वो इसमें बताया गया है। तो सिंपल सा रूल है कि अगर हम ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव की बात करें, दो एडजेक्टिव होते हैं सिर्फ। ई एडजेक्टिव को अगर हम पहले ले रहे हैं तो हमें ई एडजेक्टिव के हिसाब से ई को हटा के कुत्ते ऐड कर देना है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, कुत्ते जो है ऐड कर देना है। एंड जो ना टाइप एडजेक्टिव होते हैं, अगर हम पहले ना टाइप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं बाद में ए टाइप एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ना टाइप एडजेक्टिव में क्या करना है, ना को हटा करके दे को ऐड कर देना है, सिर्फ दे ऐड कर देना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिंपल सा रूल है, तो यहाँ पे जो हमारे सेंटेंस दे रखे हैं इनकी मदद से सीखते हैं। कोनो बोरोपेन वा ओमोकुते फुतोइदेस, कि है जो बॉल पेन है, बोरोपेन होता है बॉल पेन, जो नॉर्मल बॉल पेन होते हैं पेन। कोनो बोरोपेन वा ओमोकुते, ओमोई मतलब होता है हैवी, हैवी जिसका वेट ज़्यादा होता है, तो ओमोकुते फुतोइदेस, फुतोई होता है थिक, थिक होता है मतलब मोटा। तो यह जो बॉल पेन है यह भारी है और मोटा है, ऐसे हम किसी भी चीज़ की स्पेशलिटी है जो बता रहे हैं। दो टाइप, दोनों ये दोनों ई टाइप एडजेक्टिव है, तो इसलिए ई को हटा करके यहाँ पे इन्होंने कुत्ते लगा दिया। सोनो बोरोपेन वा कारू कुत्ते होसोइदेस, कि यह जो बॉल पेन है यह कारू मतलब होता है लाइट वेट, हल्का है, और होसोई है पतला है, कि यह जो बॉल पेन है वह हल्का है और पतला है। तो यहाँ पे दोनों ई टाइप एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हमें बस फर्स्ट वाले को देखना है। फर्स्ट वाला हमने ई टाइप एडजेक्टिव यूज़ किया, तो ई को हटा के कुत्ते ऐड कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पर ना टाइप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फुयो नो काजे वा सुमेता कुत्ते सुयोइदेस, कि सर्दियों की जो हवा होती है वो सुमेता कुत्ते ठंडी होती है, और सुयोइदेस हैवी होती है, मतलब ठंड होती है ना, कड़ाकेदार ठंड वो वाली। तो सर्दी की जो हवा है वो ठंडी है, और सुमेता कुत्ते सुयोइदेस हैवी है। नेक्स्ट है हारू नो काजे वा अताताका कुत्ते युवाइदेस, कि जो स्प्रिंग की जो हवा होती है वो गर्म और हल्की होती है, थोड़ी वीक होती है, सियोई मतलब स्ट्रोंग। नेक्स्ट है कोनो सूपुआ माजू कुत्ते तकाइदेस, कि यह जो सूप है वो टेस्टी नहीं है, बैड टेस्टी है, माजू कुत्ते माजू ही होता है बैड टेस्टी, तो बैड टेस्टी है और तकाइदेस एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है सोनो सूपुआ ओइशी कुत्ते यासुइदेस, कि वह जो सूप है वो टेस्टी है और यासुइदेस सस्ता है। तो ठीक है, ऐसे हमें एडजेक्टिव को ज्वाइन करना है, ई टाइप एडजेक्टिव को ये हटा करके कुत्ते ऐड कर देना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ई टाइप एडजेक्टिव के साथ ना और नाउन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कैसे हैं देखते हैं। कोकोवा चीसा कुत्ते कितना ही है आदेश, कि यहाँ पे छोटा और डर्टी कमरा है, कितना ही होता है डर्टी मतलब बेकार कमरा है, तो यहाँ पे छोटा और बेकार कमरा है हेयादेश। नेक्स्ट है असोकवा ओ की कुते किरेना हेयादेश, कि वहाँ पे बड़ा और सुंदर कमरा है, ठीक है। ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव को यूज़ करके बताया गया है कि हमें पहले हम ई एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुते लगाना है, हमें ना एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, ना एडजेक्टिव हमें बाद में एज इट इज़ रख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पैटर्न है कि हम ना एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था दे लगाना है आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ है कोनो कोएन वा सीजुका दे क्रेदेस, कि यह जो पार्क है वो सीजुका दे मतलब शांत है, दे क्रेदेस और सुंदर है, शांत और सुंदर है, क्वाइट एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है कोकोवा सीजुका दे क्रेना कोएनदेस, तो हम ऐसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, अब आगे जाएंगे तो अब आगे मतलब एम्फेसाइज किया हुआ है कि यहाँ पे शांत और सुंदर पार्क है, और यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यह पार्क शांत और सुंदर है, ठीक है ना। तो आगे पीछे कर रहे हैं एडजेक्टिव को नाउन को, तो वो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो है दारे और दारेनी, दारेगा दारेनी विमाशता का। लाइक सिंपल सी बात है कि अगर हम जो ये डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड होते हैं ना, क्वेश्चन वर्ड, कि दारे का, नानी का, और दोको का, या फिर दोको भी बोल रहे हम दारे नानी दोको इत्सु, ठीक है ना। तो
यहाँ पे है कि अगर हम इनसे वर्ब सेंटेंस स्टार्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो हमें उनके बाद गा पार्टिकल लगाना पड़ेगा, ये फिक्स है गाइस, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो दारेगा किमाश्ता का, कि कौन आया था, तो उन्होंने बोला अरिसान गा किमाश्ता, अरिसान आए थे। ऐसे ही नानी गा हाजिमारी माश्ता का, कि क्या शुरू हुआ था, तांजो बिनो पाती गा हाजिमारी माश्ता, कि बर्थडे की पार्टी शुरू हुई थी ना। तो सिंपल है पैटर्न। नेक्स्ट है पैटर्न सिक्स, कि फुरीमास फुकीमास यामीमास, ऐसे तो फुरीमास होता है बारिश का गिरना, स्नो का गिरना, ठीक है। यामीमास होता है रुक जाना, बारिश का रुकना और हवा का रुकना, स्नो का रुकना, ठीक है। नेक्स्ट है फुकीमास, कि हवा का बहना, टुब्लो, टुब्लो विंड होता है, जो वो होता है हवा का बहना। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि केसा युकीगा फुरीमास्ता, कि आज सुबह स्नो गिर रही थी। नेक्स्ट है युगाता आमेगा यामीमास्ता, तो शाम को आमेगा यामीमास्ता, जो बारिश है वो बंद हो गई थी, स्टॉप हो गई थी। नेक्स्ट है योरु काजेगा फुकीमास्ता, कि रात को काजेगा फुकीमास्ता, हवा जो है चल रही थी, बह रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गा पार्टिकल लगाया हुआ है, तो यहाँ पे फिक्स होता है ये का जो वेदर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, तो गा पार्टिकल इनके साथ फिक्स है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। यहाँ पे गा पार्टिकल ही आएगा तीनों में, फुरीमास यामीमास फुकीमास, इन वेदर वाली चीज़ों में गा पार्टिकल का यूज़ करना है वर्ब के साथ। नेक्स्ट है गाइस नाउन व दोचिरा देश का। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अचिरा सुचिरा कोचिरा, कि वहाँ यहाँ और बिल्कुल यहाँ अपने पास। तो एक ही व दोचिरा देश का, कि स्टेशन कहाँ है, किस तरफ है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो एक ही व अचिरा देश, स्टेशन उस तरफ है। ऐसे ही मिनामीवा दोचिरा देश का, कि जो हम डायरेक्शन है, डायरेक्शन पूछने हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी के बारे में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ के बारे में पूछा हुआ है, तो मिनामीवा दोको देश का, तो आंसर दिया मिनामीवा कोचिरा देश, ठीक है। तो मिनामी मतलब साउथ, उधर की तरफ है या इधर की तरफ है, जिधर की तरफ भी बताना चाहे आप उस तरीके से बता सकते हैं।